हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी थीम लेकर आया हूं जिसके अंदर आप काफ़ी सारे लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन के फीचर देखने को मिलते हैं। इतने सारे फीचर आपको अभी तक किसी भी थीम के अंदर देखने को नहीं मिलते। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि हमने एक जो है थीम रिलेटेड जो एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है MI Blog। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्टली अब थीम रिलेटेड वीडियोज मैं उसी चैनल के ऊपर डालता हूँ। इस थीम के अंदर आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं जो कि सारे के सारे मैं आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या कस्टमाइज आप इसके अंदर कर सकते हैं और कैसे आप इस थीम को अपने किसी भी Xiaomi फोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस थीम को हम अपने Redmi K20 Pro के अंदर यूज़ कर रहे हैं। कुछ आपको लुक जो है इसका इस तरीके देखने को मिलता है। आपको जो आइकन है पूरे कम्प्लीटली आपके चेंज हो जाते हैं। तो आप देखेंगे होम स्क्रीन के अंदर आपको ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। मैंने आपको पहले ही बताया था ये थीम जो है लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन है उसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप थीम स्टोर पर जाएंगे तो आपको एक थीम को सर्च करना है जिसका नाम है NICE_TR। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आप उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद आप अपने फ़ोन के अंदर इसको अप्लाई कर लेंगे। ये एक फ्री थीम है, आपको थीम स्टोर पे फ्री मिल जाएगी। जैसे आप इस थीम को अप्लाई कर लेंगे आपका डायलर पैड में तो कोई मेजर चेंजेस नहीं आते हैं, बस आपके वॉलपेपर एंड आइकन्स जो है वो कम्प्लीटली चेंज होते हैं। सेटिंग्स पैनल भी आपका नॉर्मल ही रहता है, बट जो मेजर चेंजेस जो होते हैं आपके फ़ोन के अंदर वो आपको देखने को मिलते हैं आपकी लॉक स्क्रीन के अंदर, जो अभी तक आपको कभी भी आपको किसी और थीम में देखने को नहीं मिलेंगे। सीधा हम चलते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर, मैं दिखाता हूँ आपको लॉक स्क्रीन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो लॉक स्क्रीन का लेआउट आपको कुछ इस तरीके को मिलता है। आप राइट साइड को स्वाइप करते हैं तो पूरा आपको iOS यानी आईफोन की तरह जो आपको टॉगल्स होते हैं वो सारे देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको नेटवर्किंग, वाईफाई, ब्लूटूथ, MI असिस्टेंट, आपकी टॉर्च, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी कैलेंडर, नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इनके क्यूक टॉगल्स जो आपको लॉक स्क्रीन में मिलते हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाएं तो नीचे ये जो बार देख रहे हैं आप इसके ऊपर एक बार टैप करेंगे आपके सामने कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे ये पूछता है कि आपको किस तरीके का इसके अंदर जो है लेआउट चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारी क्लॉक जो है कुछ इस तरीके दिख रही है। अगर आपको क्लॉक वर्टिकल चाहिए तो आप क्लॉक इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 24 फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसको 24 फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके सेमी कॉलन्स को चेंज करना है तो इसको चेंज कर लीजिए। आप उसको डार्क मोड देना चाहते हैं तो डार्क मोड दे दीजिए, वो मिल जाता है आपको, और सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाती हैं। अगले टैब पर जाएं तो आपको वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाते हैं, कौन सा वॉलपेपर चाहिए ये देखिए, काफ़ी सारे वॉलपेपर्स की लिस्ट जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको वॉलपेपर पसंद है उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और वो वॉलपेपर जो है आपके फ़ोन के अंदर सेटअप हो जाता है। यही नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि आप किसी भी वॉलपेपर को सेट करते हैं और उसके अंदर कोई ब्लर इफेक्ट देना चाहते हैं तो जो पहला ऑप्शन है इस पर टैप कीजिए, अब आपका जो वॉलपेपर है ब्लर इफेक्ट में चला जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो है आप इसके अंदर यहाँ पे वॉलपेपर्स के अंदर जाके दे सकते हैं। कोई भी वॉलपेपर लीजिए उस पर ब्लर इफेक्ट देना चाहते हैं उस पर ब्लर इफेक्ट दे दीजिए, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन में आपको इसकी जो डेट्स वगैरह आप इनको सेटअप कर सकते हैं, आपने किस तरीके सेटअप करनी है उन सब चीज़ों को सेटअप कर लिया। लास्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, ये चाइना में काम करेगा तो इंडियन ग्लोबल वर्जन में ये काम नहीं करता है। अब अगले टैब पर चलें तो उसके अंदर जो है आपके होम स्क्रीन के ऊपर आप किस तरीके का लुक आप देखना चाहते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी सारे फोन्स के अंदर एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के एम्बिएंट डिस्प्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यही नहीं, आप इन्हें कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, जो कलर चाहिए उस तरीके से आप डेट्स वगैरह को यहाँ इजीली मैनेज कर सकते हैं और जो भी आप रखना चाहें एम्बिएंट डिस्प्ले वाला वॉलपेपर उसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको। अगला ऑप्शन आता है म्यूजिक प्लेयर का। म्यूजिक प्लेयर के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्ले वगैरह आप सारी चीज़ों को इजीली कर सकते हैं। आप प्ले के बटन पर टैप करेंगे आप जो है डायरेक्टली अपने फ़ोन को प्ले कर पाएंगे। साथ ही साथ आप इसका जो थोड़ा सा UI है उसको भी चेंज करते हैं, लास्ट का जो बटन है उस पर टैप करेंगे तो इस तरीके से आपका जो UI है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका वेदर का। इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बस आप सारी की सारी डिटेल्स जो आपने वेदर की है वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है आपको लॉक स्क्रीन के अंदर ही मिल जाते हैं। सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पर स्वाइप करेंगे तो आपको जो आईफोन के टॉगल्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं जो कि परफेक्टली इसके अंदर काम करें। थीम बिल्कुल फ्री है और काफ़ी लाइट वेट थीम है, तो ज़्यादा आपका डाटा भी इसके अंदर यूज़ नहीं होता है और ज़्यादा बैटरी भी आपकी खत्म नहीं होती है। मोस्टली सारे कस्टमाइजेशन जो है आपको इसके अंदर लॉक स्क्रीन
स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। बस होम स्क्रीन में सिर्फ आपका वॉलपेपर चेंज होता है और विजेट चेंज होता है और आइकन्स चेंज होते हैं, बाकी आपका डायलर पैड, सेटिंग्स पैनल वगैरह और क्विक टॉगल जो है एज इट इज वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने थीम रिलेटेड जो है एक नया यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम है MI Blog, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके ऊपर हम मोस्टली काफी सारी थीम्स और एप्स की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।